मैं आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हरियाली अमावस्या, ये नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा, और सुना है तो आगे की जानकारी आज आपके काम आ सकती है, और नहीं सुना है तो आप जरूर इस कार्यक्रम को पूरा देखें। उससे आपको ये ज्ञात होगा कि 1 अगस्त 2019 को मनाई जाएगी हरियाली अमावस्या। इस दिन महाशुभ संयोग पर आप सभी को विशेष उपाय करने हैं जो कि आपके और आपके परिवार के सुख सौभाग्य स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए श्रेष्ठ होंगे। आप सभी के पास धन दौलत है, लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं तो इसका लाभ कैसे उठा पाएंगे। खाने पीने, घूमने फिरने, कर्म करने के लिए चाहिए निरोगी काया, यानी शरीर हमारा स्वस्थ होना चाहिए। इसीलिए सांसारिक 7 सुखों में से निरोगी काया को सबसे पहला सुख बोला गया। इसलिए क्या कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर होवे माया, तभी आप अन्य सुखों का भोग कर सकेंगे, अन्यथा सुख होने पर भी आप सुखी नहीं हो पाएंगे। काया को निरोगी बनाने, आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए शिव की रोग बाधा निवारक साधना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शिव ही महामृत्युंजय है। इस बार 1 अगस्त को श्रावण मास की हरियाली अमावस्या पर शिव को प्रिय 3 नक्षत्रों आर्द्रा, पुनर्वशु और पुष्य में से इस दिन पुष्य नक्षत्र होने के साथ साथ 125 साल बाद, तकरीबन 125 साल के बाद पंच महायोगों में से या पंच महायोगों का संयोग भी बन रहा, जिससे पहला सिद्धि योग, दूसरा गुरु पुष्प पुष्यामृत योग, तीसरा सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग चौथा, और साथ में पांचवा है सूर्य चंद्रमा मंगल और शुक्र की चतुर्ग्रही युति। ऐसे में यदि आपने असाध्य रोग, घर में अकाल मृत्यु, आपने देखा होगा कि बहुत सारी माएं, पत्नी, परिवार के अन्य सदस्य दूसरे लोगों के या घरों में या किसी टेलीविजन के आधार पर जब देखते हैं कि इसके घर में यह दुर्घटना घट गई है, उससे हम अपने आप को भी रिलेट करते हैं कि कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, और यह जब बार बार सोचा जाता है तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ जाती है और आपके साथ लगभग वैसी चीजें हो जाती हैं। ऐसा ना हो और आपके मन में यह भाव ही ना आए कि आपको अकाल, आपके घर में अकाल मृत्यु हो सकती है या कोई बीमार हो सकता है। लंबे समय से किसी रोग से अगर आप परेशान हैं तो यह साधना आपके लिए। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी रोग निवारक शिवलिंग, अष्टगंध और अनार की कलम। जो अनार का पेड़ होता है उसमें एक डंडी तोड़ दीजिए, उसको छील कर एक कलम जैसा बना लीजिए पेन। यह प्रयोग आपको हरियाली अमावस्या यानी 1 तारीख को करना है। इसे प्रारंभ कर अगले 11 दिन तक इसे नियमित रूप से करना है। निश्चय ही रोग निवारण के साथ साथ आपको शांति भी प्राप्त होगी। आपको क्या करना है इसे नोट करें। सबसे पहले तो आप रोग निवारक शिवलिंग, पारस शिवलिंग हो तो श्रेष्ठ है, अनार की कलम और अष्टगंध को प्राप्त करना। यदि आप चाहें तो हमारे केंद्र से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वक्त अब बहुत कम है। आप अपने आस पड़ोस में ही किसी पंडित जी से या किसी धार्मिक जो सामग्री मिलती है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। 1 अगस्त को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर आपके पूजन कक्ष में बैठ जाएं। पूजन कक्ष नहीं है, छोटा पूजन कक्ष है, तो किसी भी जगह पर जहां पर खिड़की हो पूर्व दिशा की तरफ बैठ जाएं। सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन करें, उन्हें याद करके, उनका स्मरण करके रोग निवारक शिवलिंग पर चांदी अथवा स्टील के कलश में कच्चा दूध में थोड़ा सा गंगा जल उसे मिला लें और हल्का सा चंदन भी उसमें डाल दें, और फिर चंदन अर्पित कर धूप और दीप करें भगवान को। इसके बाद एक बिल्व पत्र लेना है और अनार की कलम जो ली थी और अष्टगंध की स्याही, अष्टगंध आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा, जहां धार्मिक चीजें मिलती है, पंसारी की दुकान बोला जाता था पहले, वहां थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसका लिक्विड बना दीजिए और अनार की कलम से ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। यह पूरा एक मंत्र है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। इसे आप उस बिल्व पत्र पर छोटे छोटे आराम से लिखिए। अब यह बिल्व पत्र शिवलिंग को अर्पित कर दें। अगले दिन यह बिल्व पत्र उतार कर इसी तरह अभिषेक कर नया बिल्व पत्र चढ़ाएं और उस पर अष्टगंध से मंत्र लिखें और शिवलिंग को अर्पित कर दें। कल का जो बिल्व पत्र था उसे सुरक्षित आप अपने अलमारी में या कहीं पर रखते हैं। इस प्रकार 11 दिन बीतने के बाद, इस साधना को 11 दिन करने के बाद 12वें दिन किसी एक बिल्व पत्र को अपने पास रख लें और शेष 10 बिल्व पत्र को आटे में डालकर बढ़िया गूंथ लीजिए। जैसे माँ बहन रोटियां बनाती है उसके लिए आटा गूंथती है, उसी प्रकार उसे गूंथ लीजिए और उस आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को आपको 12वें दिन या उसके आसपास जो समय मिलता है उसमें दे दीजिए।
जो एक बिल्व पत्र आपने अपने पास रखा है उसे किसी लॉकेट या चांदी के कवच में बांधकर, आपने देखा होगा कैप्सूल जैसे बहुत सारे लोग पहनते हैं जिसमें सुरक्षा कवच होता है, उसमें डालकर रेशमी धागे से या लाल या काला कोई भी धागा हो उससे उस व्यक्ति को पहना देना चाहिए जो असुरक्षित महसूस करता है, और साथ में जो रोगी है जिसको कोई तकलीफ है, अज्ञात भय रहता है, उसे पहन लेना चाहिए। ऐसा करने से आप स्वयं महसूस करेंगे कि अब आपका अज्ञात भय खत्म हो चुका है या पहले से कम हो चुका है। अब आपके अंदर अब वो घबराहट, बेचैनी, डर, चिंता नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं आपके साथ आपके कंठ के आसपास विराजमान है। तो कौन बिगाड़ सकता है आपका कुछ भी? सिर्फ कोई बिगाड़ सकता है आपका तो वो आप खुद हैं। तो खुद शिव पर अपने आप को न्योछावर कर दीजिए, अपनी सारी कमियां, तकलीफें न्योछावर कर दीजिए और शिवमय हो जाइए। और 1 तारीख को इस प्रयोग को जरूर करें और भी लोगों को इसकी जानकारी दें। आप चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं या जैसा आपको अच्छा लगता है दूसरे लोगों को जरूर इसके बारे में बताएं। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम सब निरोगी होने के लिए एक प्रयास इस श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के दिन अवश्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आप सभी के बेहतर जीवन के लिए और आगे आने वाले समय में आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और हष्टपुष्ट रहें, इसी आशा और प्रार्थना के साथ आप सभी से विराम लेना चाहता हूं। अपनी आज्ञा को आप सभी से आज्ञा लेना चाहता हूं अपनी जुबान को विराम देने के लिए। तो आज्ञा दीजिए, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। कहते हैं कि जो शब्द बना है उसका वजूद जरूर होता है। जैसे समस्या शब्द बना है तो समाधान शब्द भी बना है। हमारी जिंदगी में हमारे पूर्व जन्म के कर्म, प्रारब्ध, हमारे संचित कर्म, पुरुषार्थ, कुछ भी हो सकता है, भाग्य हो सकता है, उसके अनुसार हमें जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें मिली है, लेकिन दुख, तकलीफ और कष्ट भी मिले हैं। पर इन कष्टों का छुटकारा साधनाओं के पथ पर चलकर मिल सकता है। लेकिन कौन सा उपाय करें, कौन सी साधना करें, क्या आपकी समस्या है, क्या उसका समाधान हो सकता है, इसी कड़ी में मैं आ रहा हूं आप सभी से मिलने के लिए आपके शहर में। समस्याओं का समाधान आप उससे टेलीफोन पर भी प्राप्त करते हैं, पर्सनली मिलकर करते हैं, बहुत सारे लोग लाइव टेलीकास्ट के माध्यम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे भी कर सकते हैं। तो आज के मेरे इस छोटे से कार्यक्रम में आप देखेंगे कि मेरे जुलाई महीने का जो स्केड्यूल है कि मैं किन शहरों में रहूंगा। 29 जुलाई को मैं रहूंगा मुंबई में और 30 जुलाई को इंदौर, 31 जुलाई को बंगलुरु। इन शहरों में अगर आप रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या इसके आसपास भी रहते हैं तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप इन लाइव डेट्स को जरूर संभाल के रखिएगा और उस दिन हमारे लाइव टेलीकास्ट को देखकर निश्चित रूप से आप अपनी समस्या का समाधान भी जान पाएंगे। और पर्सनली मिलना हो तो आप इसके लिए जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट नोट करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हां, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091982902665 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस सुरेश श्रीमाली,
हाई कोर्ट कॉलोनी जोधपुर इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982906625। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in।